यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल जारी है। शनिवार को बसपा के 6 और भाजपा के 1 विधायक राकेश राठौर ने सपा ज्वाइन की। लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी को सदस्यता दिलाई। इनमें भाजपा से आए राकेश राठौर और बसपा से सपा में आए असलम राइनी, असलम अली चौधरी, मुजतबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल शामिल हैं। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, मौजूदा सरकार से निवेदन है कि वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं। भाजपा विधायक राकेश राठौर के सपा में आने के बाद अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने नारे का नाम बदल दें, मेरा परिवार और भाजपा परिवार की जगह अब हो सकता है कि वो कर दें मेरा परिवार भागता परिवार। अखिलेश ने कहा कि बहुत से लोग सपा में आना चाहते हैं, समय आने पर सभी चीजें सामने आ जाएंगी। जन आक्रोश इतना है कि आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा। भाजपा के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में जारी किया था, उसे 90% पूरा कर दिया गया है, बचा हुआ 2 माह में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि भाजपा ने संकल्प पत्र बनाया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने उसका पन्ना पलटा ही नहीं। हालांकि वे दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपने ही मैनिफेस्टो भूल गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी, संकल्प पत्र में जनता के लिए किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं किया गया। MSP के वादे का क्या हुआ, आप बताइए कि मंडी व्यवस्था का क्या हुआ, चलती हुई तमाम मंडियों को आपने बंद कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुफ्त लैपटॉप का वादा था, 4.5 साल से लैपटॉप देते रहे, अभी तक नहीं मिला। उन्होंने सवाल पूछने पर कहा कि 1 GB इंटरनेट मुफ्त देने के वादे का क्या हुआ, शिक्षण संस्थाओं को चौपट कर दिया, एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है ताकि उसी सोच के लोगों को अपॉइंटमेंट हो,